बंगाल में बंद के दौरान हिंसा, नॉर्थ परगना 24 में मिला देसी बम, नेता पर हुई फायरिंग वाली जगह मिला बम। बंगाल बंद के दौरान उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में फायरिंग, बीजेपी नेता प्रियांकु पांडे पर चली गोली, टीएमसी नेता पर फायरिंग करने का आरोप। बीजेपी नेता पर हमले की तस्वीर आई सामने, कार पर दिखे गोलियों के निशान, 6 राउंड हुई फायरिंग। बंगाल में बंद के बीच बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग, एक शख्स घायल, अस्पताल में कराया गया है भर्ती, पुलिस की टीम अस्पताल में मौजूद, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। हमले पर बीजेपी नेता प्रियांकु पांडे का बयान, पुलिस प्रशासन पर लगाया आरोप, कहा हमारी गाड़ी पर किया गया हमला, ये पुलिस की मिलीभगत, मेरे ड्राइवर को गोली लगी। पूरा पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है, वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था, रवि वर्मा हमारा ड्राइवर को लगा है। बीजेपी नेता प्रियांकु पांडे पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बयान, कहा गाड़ी पर बमबारी की गई, कई राउंड की गई फायरिंग, घटना में 9 लोग घायल। अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है, ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। बीजेपी नेता पर हमले को लेकर शुभेंदु अधिकारी का पोस्ट, कहा टीएमसी के गुंडे मार रहे हैं गोली, बीजेपी नेता की कार पर मारी गोली, पुलिस और टीएमसी के गुंडे मिले हुए हैं। बीजेपी नेता पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल सरकार करा रही हिंसा, जनता की आवाज दबा रही ममता। सरकार की प्राथमिकता बलात्कारी बचाव रही है, बेटी को न्याय दिलाओगी, सबूत मिटाओ रहा है, सत्य की आवाज को दबाओ। कल भी हमने देखा कि किस प्रकार से हर संभव प्रयास किया गया प्रदर्शन और आंदोलन को कुचलने का। बंगाल में इस सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, पुलिस ने लॉकेट चैटर्जी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। हिरासत में लिए जाने पर लॉकेट चटर्जी का बयान, कहा कुछ नहीं होगा, जितना ज्यादा हिरासत में लेंगे उतना ज्यादा लोग विरोध में शामिल होंगे, पुलिस लोगों को हिरासत में ले सकती है लेकिन विचार नहीं कर सकती। लेन करेंगे उतना लाखों लाखों लोग आएंगे, ये जनता का रोष है, ये जनता का आक्रोश है, जनता ने रास्ते को ऊपर आया है। बंगाल बंद के दौरान हिरासत में ली गई बीजेपी नेता रूपा गांगुली, गाड़ी में लेकर कई बंगाल पुलिस लेकर गई है और प्रदर्शन में हुई थी शामिल। बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, कहा ममता बनर्जी भी चाहती है न्याय, तेजी से हो रही मामले की जांच। हुगली में रेलवे ट्रैक पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोका, पुलिस ने ट्रैक कराया खाली, कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उत्तर दिनाजपुर बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने न्याय के लिए सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। गुजरात में बाढ़ ने मचाई तबाही, कई शहर हुए जलमग्न, पानी में डूबे घर और वाहन, लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश का कहर, सड़कें बनी दरिया, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। गुजरात में जल प्रलय का कहर, लगातार बारिश से समंदर बनी सड़कें, हर तरफ दिखा पानी ही पानी, सड़क पर बने मंदिर में घुसा पानी। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कें बनी दरिया, जल सैलाब में बहते नजर आए सामान। गुजरात के मोरबी में भी बारिश ने बिगाड़े हालात, भारी बारिश की वजह से मच्छू बांध के गेट खोले गए हैं, छोड़ा गया है पानी। गुजरात के अरवल्ली में मोडासा नो मजूम बांध ओवरफ्लो हुआ, खोले गए 3 गेट, छोड़ा गया 2700 क्यूसेक पानी। चीनी अंतरिक्ष स्टेशन ने दिखाए पृथ्वी के अद्भुत दृश्य, कई कैमरों ने पृथ्वी की नई तस्वीरें कैद की।
और चलिए आगे बढ़ रहे हैं बात, अब कोलकाता की कर रहे हैं, जहां डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और इस बीच बीजेपी के जो नेता हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, रूपा गांगुली की बात कर लें, लोकेट चटर्जी की बात करें, इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 घंटे का बंद बुलाया था और इस दौरान प्रदर्शन के दौरान रूपा गांगुली को और लोकेट चटर्जी समेत तमाम जो महिला नेता हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रूपा गांगुली को हिरासत में लिया गया है, कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हिरासत में ले लिए गए हैं। दरअसल डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले इसकी मांग इनकी तरफ से की जा रही है और इंसाफ की लड़ाई के लिए ही ये सड़कों पर उतरे हैं। इस बीच किसी बीजेपी नेता पर फायरिंग हो जाती है, प्रियंका पांडे की जानकारी हमने आपको दी, जिन पर 6 राउंड फायरिंग की गई, वहीं अब रूपा गांगुली को और लोकेट चटर्जी को भी हिरासत में लिया गया है। हंगामा लगातार हो रहा है, आगजनी की भी तस्वीर आई थी, किस तरह से इंसाफ की लड़ाई अब जंग में तब्दील होती दिखाई दे रही है तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर, भाटपाड़ा फायरिंग केस में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बैरकपुर पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भाटपाड़ा फायरिंग केस में गिरफ्तारी होती है, बैरकपुर पुलिस ने 3 संदिग्धों को पकड़ा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए कैसे बम मिला था, ये बम जो है छिपाया गया था, ऐसी जगह लगाया गया था कि जैसे वहां पर भीड़ पहुंचे या बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे उसके बाद वो ब्लास्ट हो, लेकिन उससे पहले ही बम को डिफ्यूज किया गया और ये पता लगाया गया। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जब बीजेपी नेता की गाड़ी वहां पर जा रही थी उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, उनके ड्राइवर के ऊपर भी फायरिंग की जाती है। और अनामिका हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, अनामिका लगातार देखिए स्थिति जो है वो खराब होती हुई कोलकाता में नजर आ रही है, पश्चिम बंगाल में नजर आती हुई है, अभी आपके पास क्या तस्वीर वहां पर, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए जहां पर मेरी मौजूदगी है ये इलाका है बाग बाजार का, और बाग बाजार में पुलिस की मुस्तैदी देख के आप अंदाजा ये लगाइए कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो आज भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस की मुस्तैदी किस तरीके से कर दी गई है। हालांकि कुछ देर पहले लोकेट चटर्जी समेत तमाम जो बीजेपी के महिला नेत्री थी उन सबको यहां से बसों में भरकर ले जाया गया है, और अब कुछ देर के बाद जो डॉक्टर्स हैं उनका प्रोटेस्ट यहां पर होने वाला है, जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं, वो यहां से प्रोटेस्ट करते हुए धर्मतला तक जाएंगे, तो उसको लेकर के भी पुलिस की यहां पर तैयारी मजबूत दे रही होगी। आपको चौराहे पर आपको दिखाई दे रही होगी पुलिस की गाड़ियां, और जो अंदर रास्ते देख रहे हैं आप वहां पे भी जो पुलिस के जवान हैं बैठे हुए हैं, यानी कि आज किसी भी सूरत में जो प्रोटेस्टर्स हैं या फिर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको सड़कों पर निकलने की मनाही है, जो निकले वो पकड़े गए, जो निकले उनको अरेस्ट कर लिया गया, हटा दिया गया यहां से। हालांकि बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो अभी भी कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का ये दरअसल कहना है कि बंद का यहां पर कोई परमिशन नहीं दिया गया है, लिहाजा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहां पर खड़े होने की परमिशन नहीं है, प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है, लिहाजा जिस भी जगह पे उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता देखने को मिलते हैं वैसे उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। अभी फिलहाल सीधे रुख करते हैं जतिन का। जतिन तस्वीरें आपके पास क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे माहौल था जो बीजेपी के कार्यकर्ता, और सीधे रुख करते हैं सुमित का। सुमित आप क्या दिखाएंगे प्रोटेस्ट को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, वहां क्या कुछ हो रहा है?